आज मैं उनकी बात करने जा रहा हूं जिनके पिताजी माली का काम करते थे। माताजी घर घर जाकर के बर्तन साफ किया करती थी। बचपन में खिलौने देखे ही नहीं थे। एक दिन घर में खिलौना आया, फुटबॉल, और उसे देखने के बाद इस बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होकर के फुटबॉलर बनूंगा, इसी में अपना फ्यूचर बनाऊंगा। और आज ये व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर है। पोर्चुगल को जाना जाता था 16 से 19 सेंचुरी के आर्किटेक्चर के लिए, सी फूड के लिए, बीचेस के लिए, लेकिन आज पोर्चुगल जाना जाता है इस व्यक्ति के नाम से। नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो नाम के बड़े सारे फुटबॉलर हुए हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का एक ही खिलाड़ी हुआ है जो सदियों में एक बार जन्म लेता है, जिसने 800 से ज्यादा गोल्स किए हैं और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल प्लेयर है। इस व्यक्ति की कहानी से आप और हम क्या सीख सकते हैं, आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने कई बार सुना होगा कि अपनी किस्मत, अपना मुकद्दर खुद बनाइए, लेकिन कैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लर्निंग नंबर 1 यही कहती है कि अपनी डेस्टिनी खुद से बनाइए, अपना भाग्य खुद लिखना शुरू कीजिए। 5 फरवरी 1985 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ, एक ऐसे परिवार में जो गरीब हालात में था, जो गरीबी से जूझ रहा था, कहते हैं गरीबी के समंदर में गोते लगा रहा था। इनके पिताजी, जैसा मैंने बताया, माली का काम करते थे, पार्ट टाइम और काम किया करते थे ताकि घर में थोड़ा पैसा आ जाए। माताजी घर घर जाकर के बर्तन धोने का काम करती थी, बर्तन मांजने का काम करती थी, साफ करने का। एक बड़ा भाई, 2 बड़ी बहनें, सबसे छोटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्हें बचपन में खिलौने नहीं मिले, एक दिन घर में खिलौना आया, एक फुटबॉल आई, और इस बच्चे ने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे तो इसी के साथ में अपने जीवन को बिताना है। 8 साल की उम्र में क्लब ज्वाइन कर लिया, और कहते हैं कि उसके 2 साल बाद, तकरीबन 1995 की बात थी, उन्होंने पोर्चुगल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। 2 सालों तक उसी क्लब से खेलते रहे। उसके बाद जब 12 साल के थे तो एक और स्पोर्टिंग सीपी के लिए उन्होंने ट्रायल दिया और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उस क्लब ने इन्हें 1500 यूरो में साइन कर लिया। 14 साल की उम्र होते होते क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक फुटबॉलर बनेंगे। उनकी माताजी ने फुटबॉलर बनने के जो गुण थे वो बचपन में ही देख लिए थे। जिन प्लेयर्स ने उनके साथ में खेला है वो कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल पीते थे, फुटबॉल खाते थे, इतने पैशनेट थे, और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं, द मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉलर हैं। वो बच्चा जिसे बचपन में खिलौने नहीं मिले, सिर्फ एक खिलौना फुटबॉल मिली और उसी में कमाल कर दिया। इसीलिए अपना भाग्य खुद बनाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीख सकते हैं, हर किसी के अंदर, आज की जो जनरेशन है स्पेशली, उसकी बात करें, अग्रेशन बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है आज की जनरेशन। अग्रेशन का इस्तेमाल करना है तो किसके लिए करना है? अपनी ग्रोथ के लिए करना है, फुल स्टॉप लगाने के लिए नहीं करना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो लोग जानते हैं, चाहे वो फुटबॉल देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन इतना उन्हें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का जो प्लेयर है, जो फुटबॉलर है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। इनका जर्सी नंबर 7 है, और ये जो जर्सी नंबर 7 है, ये महान खिलाड़ियों का है, डेविड बैकहम का है, MS धोनी का रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी है। लेकिन 7 नंबर की जो जर्सी पहन रहे हैं वो कूल काम है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे नहीं है। बचपन में कहते हैं कि एक बार स्कूल में टीचर से कहा सुनी हो गई थी, बहुत ज्यादा बहस बढ़ गई थी, इन्होंने कुर्सी उठा करके फेंक दी थी, घर पर शिकायत हुई कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो घर वालों ने, स्पेशली जो इनके मम्मी पापा थे, उन्होंने समझाया कि बेटा ये जो गुस्सा है इसका इस्तेमाल कर, लेकिन अपने खेल में कर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फादर मदर को बहुत मानते हैं, जैसा कि सब लोग मानते हैं अपने पेरेंट्स को। इन्होंने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि जो अग्रेशन है इसका इस्तेमाल मैं अपने खेल में करूंगा, अग्रेसिव फुटबॉलर बने और कमाल कर देंगे। हालांकि कहा जाता है कि जितने मैचेस होते हैं उनमें कई बार इनको वार्निंग दी जाती है, खुद भी कहते हैं कि पता नहीं क्या है, मतलब जो ओपोनेंट होते हैं वो मुझे उकसाते रहते हैं, तब तो रेफरी ध्यान नहीं देते, लेकिन जब मैं रिएक्ट करता हूं, क्योंकि हैंड टू हैंड ये रिएक्ट करते हैं, जैसे ये रिएक्ट करते हैं वैसे ही इनको वार्निंग दे दी जाती है। तो लेकिन इन्होंने जो किया है वो कमाल की बात है कि अपने अग्रेशन का इस्तेमाल किया है अपने खेल में, अपने खेल को और धारदार बनाया, और इसीलिए दुनिया के सबसे महंगे और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर है। अग्रेशन की बात चलिए, पैशन की बात चलिए, तो आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप भी डेयरिंग है, जुनून है आपके अंदर कुछ नया करने का, अभी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का, तो आपको